मिला रहमान रहीम, आज की कार्रवाई का हम आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज की तकरीब जो कि नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़ की जा रही है कि मसलसल यहाँ पर जो भी कौमी त्यौहार होते हैं हम उसको भरपूर तरीके से मनाते हैं, उसी रवायत को आज हम बरकरार रखते हुए आज की तकरीब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पैदाइश के हवाले से यहाँ पर जो तकरीब है और साथ में क्रिसमस के हवाले से और साथ साथ आज पी एम साहब की भी बर्थडे, तीनों तकरीबा को हम एक ही साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। ए डी सी साहब सोए मुश्ताक साहब इस वक्त हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। चेयरमैन बल्दिया म्यूनसिपल कमेटी सांगर दिलबर खान नजामानी साहब, चैम्बर की जानिब से जहाँ महमूद यामिन साहब आज मौजूद जहाँ पे मौजूद हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। बार काउंसल्स के जहाँ पे सदर हैं तारिक साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। तमाम यहाँ पे नोटेबल्स को वेलकम करते हैं। तकरीब का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। जनाब हिदायतुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अल्लाह ताला के बाबरकत रहमान रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदकल्लाहिल अलियुल अजीम। उसके बाद मैं सुपासनामे के लिए दावा दूंगा मोहम्मद कजाफी साहब से, जो कि हमारे सीनियर यहाँ के मेंबर्स हैं, कि वो सुपासनामा पेश करें कायद आज़म की शख्सियत के हवाले से, इस तकरीब के हवाले से जो आज नेशनल प्रेस क्लब ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा है। माननीय पाकिस्तान की 141वीं सालगिरह की तकरीब जो है नेशनल प्रेस क्लब में रखी गई है। मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन जोए मुश्ताक साहब, डिस्ट्रिक्ट बार सांगर के सदर तारिक महबूब साहब, चेयरमैन बल्दिया म्यूनसिपल कमेटी सांगर दिलबर खान निज़ामानी साहब और चैम्बर ऑफ कामर्स सदर आजी जामीन कुरैशी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए दो तारीखी दिन अहम हैं, एक पैदाइश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल और दूसरा हज़रत कायद आज़म का है, जिसने एक मुसलमानों को एक नया विजन दिया। बरे सगीर में जो मुसलमान कौम जो गुलामी की जंजीरों में ढली हुई थी उसको आज़ादी का एक नया मुल्क आज़ाद करके एक नया आज़ादी की एक नई लह रूह दी उस मुल्क के अंदर, उस कौम के अंदर। और आज वो हज़रत कायद आज़म का ये बनाया हुआ आज़ाद पाकिस्तान मुल्क जो मुसलमानों की पूरी दुनिया में एक शान और शौकत रखता है, जो दुनिया की पहली एटमी ताकत है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुसलमान आज जो आज़ादी के सांस ले रहे हैं आज़ाद फ़ाओं में, वो हज़रत कायद आज़म की मेहरबानी और उनके बनाया हुआ आज़ाद वतन पाकिस्तान ही है। और इस पाकिस्तान की आन मान शान तमाम लोग आज हम सांगर के शहरी भी पूरे पाकिस्तान में तरह सालगिरह मनाई जा रही हैं उसका तसलसल है। और आज हमारी ये तकरीब भी उसी पाकिस्तान उस पैगाम जा रहा है पूरी दुनिया को के सांगर के शहरी भी कायद आज़म का दिन बर्थडे हो या क्रिसमस हो वो पूरे जोश जज्बे से मनाते हैं। और मज़ीद हमारे जो मुकर्रर हैं वो इंशाल्लाह इस दिन की अहमियत को उजागर करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया अशफाक सलर। और नाल मेंबर्स जनाब उदरमान से गुजारिश करूंगा कि आज के त्यौहार के हवाले से, क्रिसमस के हवाले से और कायद आज़म की शख्सियत के पे रोशनी डाल। डिप्टी कमिश्नर जोए मुश्ताक, म्यूनसिपल चेयरमैन जनाब दिलबर खान निज़ामानी उनके साथ मौजूद हैं यहाँ पर, चैम्बर ऑफ कामर्स के हाजी यामीन और डिस्ट्रिक्ट बार के सबका सदर भी हैं जनाब, उनको हम वेलकम करते हैं। बात की जाए अगर कायदे आज़म के दिन के हवाले से या क्रिसमस के हवाले से या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का आज कौमी जो सालगिरह का दिन मनाया जा रहा है, बेसिकली जो भी मैसेज है मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे आजकल जो सिलसिला चल रहा है एक सहाफ़त के हवाले से और इस मैसेज के ही ज़रिए, क्योंकि हमारा सहाफ़त से पेशा है तो मैं सहाफ़त पे ही कायदे आज़म की एक नसीहत से करूँगा कि हमेशा जो कायदे आज़म का एक कौल था कि हमेशा किसी की चीज़ को अगर देखो नेगेटिव नज़र से ना देखो, सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ देखो तो आपको उससे एक अच्छा अमल नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं एक नेशनल प्रेस क्लब की जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस कायदे आज़म के दिन की मुनासबत से कि जो आज कायदे आज़म का दिन मनाया जा रहा सालगिरह पर, इन सब हमारे जितने भी लोग हैं सांगड़ को सांगड़ के चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो वकला हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो पॉलिटिक्स हों, उनको अपना जो माइंड्स है वो पॉजिटिव रखा जाए। अगर जो माइंड पॉजिटिव होगा तो फैसले भी अच्छे नज़र आएंगे। जी।
जहाँ पर रिजल्ट निकलेगा। हमारे सीनियर नायब सदर मोहम्मद अली शर साहब जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे आर्टिकल वगैरह भी लिखते हैं, उनसे कहूँगा कि वो अपनी शख्सियत कायदे में शख्सियत पे और ज़िंदगी पे बात करूँगा, जिन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क और एक आज़ाद रियासत दी जिस पर हम आज बैठे हुए हैं और हम तमाम जो दिन है वो बहुत ही आसानी से मना सकते हैं। शुक्रिया। भी उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज के त्यौहार के हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें। साहब और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हाजी मोहम्मद यामिन साहब और एसोसिएशन बार के सदर जनाब अस्सलाम वालेकुम और बाकी दोस्तों को सबको अस्सलाम वालेकुम। बिरादरन, जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम कि आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म का बर्थडे हम बहुत जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं और इसके साथ ही क्रिसमस डे भी हम मना रहे हैं और उसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सालगिरह का दिन भी मनाया जा रहा है। तो जिस तरह के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे लिए कुर्बानियाँ देकर और उनके साथ जो भी हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह व दीगर जितने भी लोगों ने पाकिस्तान को बनने में कामयाबियों से हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक यानी कि एक मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क दिया, तो हमें भी चाहिए कि उनकी कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पज़ीर बनाएँ और इंशाल्लाह ये अहद करें कि हम भी कायद आज़म के असूलों पर चल के इस मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा कर लेके जाएँगे। आमीन। तरक्की करेगा संगठन, तरक्की करेगा पूरा सिंध, तरक्की करेगा। मोहम्मद रमज़ान साहब एक्टिव जहाँ के मेंबर हैं म्यूनसिपल कमेटी के, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वह आज की शख्सियत के हवाले से आज के प्रोग्राम के हवाले से बात। साहब जनाब चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी दिलबर खान निज़ामानी साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब और गिला सर, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि आज जो हम ये तकरीब मना रहे हैं जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे है, इसके साथ प्राइम मिनिस्टर जनाब का बर्थडे है, इसके साथ ईसाइयों का जो क्रिसमस है, इसकी खुशी में हम जो ये दिन मना रहे हैं इसकी बहुत खुशी हुई है। और आपका इस नेशनल प्रेस क्लब वालों का हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये पूरा कार तकरीब मनाई हुई है और हम ये अहद करें कि जो कायद आज़म के ख्वाब थे हम उसके मुताबिक चलें और उसकी ख्वाब की तबीर करें और पाकिस्तान को कायद आज़म का पाकिस्तान बना कर दिखाएँ। थैंक यू। अगर हम पाकिस्तान को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो कायद के फरमान पे हमें अपना अमल करना होगा। नेशनल प्रेस क्लब ने कोशिश की है कि पाकिस्तान के कौमी त्यौहार को भी हो, उसको बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे, उसको हमने मनाने की कोशिश की है। हमारा मकसद ये है कि हम अपना पैगाम जहाँ पूरी दुनिया तक पहुँचा सकें कि सांगढ़ के जो NPC क्लब सांगढ़ क्लब है वो कौमी त्यौहारों को कौमी तरीके से कौमी जज्बे से मना रहा है। आज मैं बार कौंसिल के मेम्बर हैं हमारे पास मोहम्मद यामिन साहब जो कि हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं, हर तकरीब छोटी तकरीब हो या बड़ी तकरीब हमारे साथ वो तावन करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज की तकरीब के हवाले से अपने ख्याल का जरूर। आज नेशनल प्रेस क्लब ने जो एक इख्तमाम किया है ये बड़ी खुशाइन बात है और हमेशा ही ये ऐसी तकरीबों में पेश रहते हैं। और कायद आज़म ने जो हम मुसलमानों पर एक मुल्क आज़ादी की तहरीक चलाई और एक मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत कायम की, तो उसको अभी संभालना हमारा काम है। कायद आज़म की हम पे इतनी एहसानात हैं जिसकी हम अगर उस पर कोई बात करें तो शायद हम पे वो लफ्ज़ हमें ना मिल सकें या हम उस पर रोशनी ना डाल सकें, हम इंसाफ भी नहीं कर पाएंगे अगर कायद आज़म पर बात की जाए। लेकिन कायद आज़म के जो एहसानात हैं और जो हम इस पाकिस्तान में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज़ाद रियासत में रह रहे हैं, क्या हम वो अपना हक अदा कर पा रहे हैं कि हमने अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए वो इकदाम उठाए हैं या वो हम अपना एहतसाब कर पा रहे हैं कि हम अब इसके साथ इंसाफ कर रहे हैं, ये सोचने का मुकाम है। हमें अल्लाह तआला हिम्मत दे हमारे हुक्मरानों को, वो छोटे लेवल पे हों या बड़े लेवल पे हों, वो अपने आप से वफा करें, अपने शहर से वफा करें, अपने मुल्क से वफा करें। इंशाल्लाह हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अदा करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाविंदाबाद। कहना था कि तमाम को कायद आज़म के फरमान पर चलना चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम तबका ख्वाब छोटा हो या बड़ा उनको इंसाफ फराहम किया जाए। बार एसोसिएशन के सदर जनाब तारिक महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज की प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें। और दूसरे हाजिर, मैं शुक्रगुजार हूँ, बल्कि हम सब शुक्रगुजार हैं प्रेस क्लब के, उन्होंने ये तकरीब की और हमें मदऊ किया और कायद आज़म के दिन के हवाले से, वज़ीर आज़म के दिन के हवाले से भी एक हमें बुलाया। कायद आज़म सिंध में पैदा हुए, झिरक छोटा सा शहर है जहाँ पैदा हुए, फिर कराची रहे और बहुत बड़ी तरक्की की। मुझे ये भी खुशी है कि वो वकील थे और उन्होंने बहुत पाकिस्तान बना के दिया हमें बग़ैर किसी बात के,
और बग़ैर किसी लालच के उन्होंने वो काम किए जो दूसरा नहीं कर सकता था। हम वज़ीर आज़म के भी शुक्रगुज़ार हैं जो और उनकी सालगिरह पर उनको मुबारक देते हैं और कि वो उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया और तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। और हम सिंध हुकूमत के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे सांगड़ पर तवज्जो दी और हमारे मेन रोड जो है उनके लिए उन्होंने मतलब टेंडर इशू कर दिए, पैसे इशू कर दिए और वो इंशाल्लाह बनने शुरू हो जाएंगे। मेरी अर्ज़ ये है ADC साहब से और चेयरमैन से साहब से भी कि ये सांगड़ को भी जो तरक्की दे, और क्योंकि मेन जो डेवलपमेंट है इस वक्त मेन रोडों की वो ADC के साहब के हाथ में है और जो काफ़ी लोग तंग भी हो रहे हैं। और दिलबर खान से भी अर्ज़ करूंगा कि ये शहर के लिए करें जो शहर साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि शहर काफ़ी अभी लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है। इस हवाले से मैं शुक्रगुज़ार दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल प्रेस क्लब और उसके अहदेदारान का कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है जो सांगर जैसे शहर में ये तकरीब ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। जिस तरह से दिलबर खान ने चार्ज संभालने के बाद एकदम से जोश दिखाया, यकीनी तौर पर इस वक्त वो जोश जो है थोड़ा कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, लेकिन हम भी फिर भी दिलबर खान के साथ हैं। जरूरत साहब मुझे कहेंगे दिलबर खान से कि यकीनी तौर पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है और करता जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि यकीनी तौर पर आप एक अपोजिशन में हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हिम्मत नहीं हारें। इंशाल्लाह ताला NPC आपके साथ होगा। मैं गुजारिश करूँगा दिलबर खान नज़ामंड से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हम नेशनल प्रेस क्लब के बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद हैं कि वो उसी रवाज उसी रस्म को जारी रखते हुए अपने प्रोग्राम को जो ये हमेशा करते आ रहे हैं, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की के लिए या जो भी इस तरह के हमारे किसी भी किस्म के प्रोग्राम होते हैं हमारे पाकिस्तान की भलाई के लिए और हमारी पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अपने शहर की तरक्की के लिए, तो नेशनल प्रेस क्लब के सहाफ़ी और ये लोग अपना हक अदा करते रहते हैं। मैं तमाम सहाफ़ियों से इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं हम लोग। मैं हमारे बहुत ही भाई दोस्त मेरे ज़ोए मुश्ताक साहब, वो भी सांगड़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा तवक्को है। और जो चैम्बर्स के मामा यामीन मोहम्मद यामीन साहब हैं, ये भी अपना रोल और हक अदा कर रहे हैं अपने शहर के लिए, अपने दुकानदारों के लिए, और ये भी हमारे साथ तावन करेंगे। और उसके अलावा हमारे बार कौंसिल के सदर हैं तारिक साहब, वो भी जो है वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम सब मिलके सांगड़ के लिए इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जना के बारे में हम लोग इतना ही कहेंगे कि उसने हमें इस्लामी रियासत 1400 साल में सिर्फ दो कायम हुई हैं, एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कायम हुई थी मक्का में, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी इस्लामी रियासत। उसके बाद जो रियासत कायम हुई है इस्लामी तौर पे जो पूरी वर्ल्ड में, वो पाकिस्तान है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने ये हमें पाकिस्तान जो है वो इस्लामी रियासत की शक्ल में हमें दिया। हम उसके बहुत ही ज़्यादा हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग ने भी कुर्बानियाँ दी, और मोहम्मद अली जना साहब ने भी अपने इलम के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, कलम के ज़रिए हमारे पाकिस्तान को, हमारी रियासत को, हमारे सिंध को, हमारे पंजाब को, हमारे जितने भी सूबे थे, ये सब हमें उसने आज़ाद करा के एक मुकम्मल पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना के दिया, जो हम आज इस दिन का जो है दिन मना रहे हैं। हमें चाहिए कि ये प्रोग्राम इस तरह के जो है वो बड़े लेवल पर किए जाएं, ताकि जो है वो हमें हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जना साहब को हम लोग अच्छे तरीके से भेटा पेश कर सकें।
ताकि वो हम लोग उसकी जो है सही मानाओं में पहचान भी करा सकें, जो पाकिस्तान के लिए उसने कुर्बानियाँ दी हैं, अब हमारे मुल्क के लिए पूरी दुनिया के साथ वो इलम के ज़रिए लड़े हैं, आज हमें वो पाकिस्तान मिला है। और इसके अलावा आप लोगों के बहुत बड़े एहसान हैं, एहसानात हैं। ज़ाहरी बात है कि शहर के मामले के लिए बात का मौजू नहीं है, ये प्रोग्राम मोहम्मद अली जना के लिए है, तो मैं सिर्फ इसी बात पे बात करूँगा। मेहरबानी। का कहना था कि जब इस वक्त मौजूद नहीं है कि सियासत का यकीनी तौर पर एक अलहदा से इनके साथ मीटिंग की जाएगी, जिसके अंदर इनके दिल की बातें भी सुनी जाएंगी और अपने दिल की बातें भी इनसे की जाएंगी। मैं ADC 2 जनाब जय मुश्ताक, ADC 1 जनाब जय मुश्ताक साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के माहौल के हवाले से, आज के प्रोग्राम के हवाले से, कायद आज़म की बरसी भी है, उसके साथ PM साहब की भी यहाँ पर आज सालगिरह है, कायद आज़म की सालगिरह है और साथ साथ क्रिसमस भी है, तीनों चीज़ों के हवाले से अपने नेशनल प्रेस क्लब जो है जिस तरह हर त्यौहार के ऊपर, मुल्की त्यौहार के ऊपर सबसे आगे होता है, इस तरह आज भी इन्होंने कायद अजम की सालगिरह के हवाले से, क्रिसमस के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर साहब की सालगिरह के हवाले से इन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद किया, जो कि वाकई एक अच्छी काविश है और ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। मैं जनाब दिलबर खान निज़ामानी, जनाब तारिक महबूब साहब, जामीन कुरैशी साहब और हमारे जो दीगर मौजज़ीन हैं इस प्रोग्राम के, उन सबको भी इस प्रोग्राम में शिरकत होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम सब इकट्ठे हुए यहाँ पर और हमने अपने मौसन कौम के लिए हमने इस तकरीब का एहतमाम किया और हम उनकी याद में इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह इस अज़म के साथ यहाँ से जाएंगे कि जो कायज़म ने हमारे लिए फरमुदात छोड़े हैं, जो उन्होंने हमारे लिए रहनुमा असूल छोड़े हैं और जो उन्होंने अपने किरदार से वाज़े किया अपने मुख्तलिफ चीज़ों को, तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उनके फरमुदात पे अमल करें और उनकी उनकी जो बातें हैं उन पे अमल करें और ताकि सही मानों में जो है कायज़म का पाकिस्तान बन सके और इंशाल्लाह ये दुनिया में पाकिस्तान का एक मुकाम होगा, क्योंकि एक ख़ास मकसद की वजह से बनाया गया और तभी अल्लाह ताला जो है इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। बहुत शुक्रिया आने से ये छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने पर जो है वो आने वाले तमाम मौजूदा मेहमानों को जो है वो वेलकम करता हूँ और जो भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किए, जिन भी साहिबान ने, जिनमें हमारे चीफ गेस्ट जो हैं एडिशनल कमिश्नर 1 जोए मुश्ताक साहब, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रईस दिलबर खान निज़ामानी साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाजी यामीन कुरैशी साहब और डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट तारिक महबूब साहब, इन सबको मैं वेलकम करता हूं और यहां पर अपने कीमती वक्त में से बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह मनाने के लिए अपना कीमती वक्त देने पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। सही मुस्तफा तरीन भाई करते, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बेड रेस्ट पे है।